नाज़रीन। हाँ, क्या हुआ यमन? नाज़रीन, छत पर चलें क्या? नहीं, मैं बाहर नहीं निकल सकती। क्यों? बाहर निकलना खतरनाक हो सकता है। हाँ, सही कह रही हो। बाहर आवारा कुत्ते और शरारती बच्चे होते हैं जो बिल्लियों को बालों से पकड़ लेते हैं। यहाँ हम लोग महफूज हैं। तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? नहीं, मजाक नहीं है। मैं गलियों में रहता हूँ, भूल गई हो क्या? मुझे बहुत अफसोस होता है तुम्हारे लिए। ना कोई घर है, ना तुम्हें बचाने वाला और ना ही खाना देने वाला कोई मालिक। हाँ, ठीक कह रही हो। अच्छा चलो, तुम यहाँ पर आराम से बैठो, मगर पता है बहुत सारा फन मिस कर रही हो, बता रहा हूँ तुम्हें। ये फन कहाँ पर है? तुम लोगों की छत पर। क्या है हमारी छत पर? सारस ने बहुत ही प्यारे प्यारे अंडे दिए हैं, वो देखूंगा। कितना अच्छा है ना, छोटे छोटे सारस, मैं देखना चाहूंगी उन्हें, मगर मैं छत पर नहीं जा सकती। तुम नाजी के कमरे में आ जाओ, फिर खिड़की से देख लेना, ठीक है? ये जगह पहले क्यों नहीं आई मेरे दिमाग में? यहाँ से हर जगह कितनी खूबसूरत नजर आ रही है। यमन, कहाँ हो तुम? यमन, यमन, मैं यहाँ हूँ। म्याओ। यमन, हाय यमन, ये कितना ऊंचा है। हाय, ये तो बहुत ऊंची है, मुझे चक्कर आ रहे हैं। नाज़ली, नाज़ली, तुम ठीक हो ना? गुड मॉर्निंग कारा कचन। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मैं सोच ही रहा था कि हसन साहब आए तो उनसे मिलकर अपने दिल का बोझ हल्का कर लूं। आप जैसा तजुर्बाकार और नफीस इंसान कहाँ मिलता है? बहुत शुक्रिया कारा कचन। खैर है, कोई परेशानी है क्या? कहते हैं कि गधे कभी उदास नहीं होते, मगर मैं बहुत ही उदास और परेशान हूँ। क्या वजह है तुम्हारी उदासी की? देखिए ना, मेरी काठी कितनी पुरानी हो गई है, ये टूटना भी शुरू हो गई है और इसमें से कील भी निकल आए हैं। मुझे लगता है सारे गांव में सबसे पुरानी काठी मेरी है। उदास ना हो, तुम्हारी काठी तो बहुत एंटीक बन चुकी है। एंटीक? इसका क्या मतलब है? क्या ये कोई अच्छी चीज है? पुरानी और अनमोल चीजों को एंटीक कहते हैं, एंटीक। इसका क्या फायदा होगा मुझे? अगर थोड़ा सबर कर लो तो बहुत अमीर हो सकते हो। इतना अमीर हो जाऊंगा कि हर रोज एक नई काठी इस्तेमाल कर सकूं? ओहो, हो सकता है काठी इस्तेमाल करने की जरूरत ही न पड़े कारा कचन। अच्छा, बहुत अजीब लग रहे हो तुम करा कचन। मुझे बहुत हंसी आ रही है तुम पर। बहुत हंसी आ रही है। नहीं नहीं नहीं, मैं काठी के साथ ही खुश हूँ। मुझे तो बस एक नई काठी चाहिए, एक नई काठी चाहिए। ये तो तुम्हें मौला साहबा को बताना चाहिए। जब मैं उन्हें कहता हूँ तो वो काठी की तारीफें शुरू कर देती हैं। आप कहें तो शायद माने। क्या वो मेरी बात सुनेंगी? आप उन्हें समझा सकते हैं कि काठी गधे के लिए कितनी जरूरी है, उसे कितने काम करने होते हैं। आप समझ गए ना? ठीक है, मैं करता हूँ। कारा कचन, मैंने तो तुम्हें कभी नहीं देखा कि तुम काठी के साथ वजन उठा रहे हो। जाहिर है, नहीं देखा होगा, नहीं देखा होगा, क्योंकि मैंने कभी काठी के साथ वजन उठाया ही नहीं, क्योंकि वो इतनी पुरानी है कि बस कभी भी वो टूट सकती है। जब मैं वो काठी अपनी कमर पर डालता हूँ तो उसके कील मुझे चुभते हैं और बहुत दर्द होता है मुझे। अच्छा, तुम फिक्र ना करो, मैं मौला साहिबा से बात करूंगा। बहुत बहुत अच्छा, शुक्रिया डॉक्टर साहब। कोई बात नहीं, ठीक है। अम्मी, बहुत देर हो
हो गई है। चले, नजला टीचर ने कहा था दोपहर 1 बजे आना। अभी तो 1:10 हुए हैं बेटी। हाँ तो 10 मिनट लेट हो गए हैं। बेटा हम क्लास में थोड़ी जा रहे हैं, मिलने ही तो जा रहे हैं, बस बैठकर आराम से बातें करेंगे। अम्मी चले ना। अच्छा अच्छा, लो बस हो गया। ले जी मैं तैयार हूँ, अब हम जा सकते हैं। मेरी जल्दबाज बेटी। अम्मी ये क्या है? पराठा। वो तो मुझे भी पता है अम्मी, पर हम क्या इस ट्रे में लेके जाएंगे? हाँ इसमें लेकर जाएंगे। देखो जरा इस लड़की को, क्या हुआ है इस ट्रे को भला? लेकिन अम्मी ये तो बहुत पुरानी है। हाँ पुरानी है, ये तुम्हारी नानी की ट्रे थी। देखो आपने भी कह दिया ना, पुरानी है पुरानी है पुरानी है। ये ट्रे मेरे लिए बहुत कीमती है, मैंने तुम्हें बताया नहीं था, जब तुम्हारे बाबा वगैरह मेरा रिश्ता लेकर आए थे तो मैंने इसी ट्रे में चाय दी थी। वाह, मैं बहुत एक्साइटेड थी। मगर अम्मी वो जो फूलों वाली ट्रे है ना, उसमें रख देते हैं। क्या मतलब, तुम्हें ये ट्रे पसंद नहीं आ रही? पसंद है पर। हाँ, शबे बरात को इसी ट्रे में रख कर हलवा बनाते थे। चलिए अम्मी लेट हो रहे हैं। तुम्हारी नानी एक दिन इसी ट्रे के साथ मेरे घर आई, उस पर खूबसूरत रेड रिबन बंधा हुआ था। उसमें क्या था? बहुत मजेदार पकलावा था। पकलावे को क्यों रिबन से बांधा? क्योंकि वो गिफ्ट था, साथ और भी बहुत से अच्छे तोहफे थे, छोटे स्वेटर, बुनियान, छोटे से रुमाल। आहा, ये सब किसके लिए था? ये सब नए आने वाले बेबी के लिए था। शकरु के लिए? नहीं, आयशा गुल के लिए। अम्मी अम्मी क्या वो चीजें बहुत प्यारी थी? जी बहुत ही प्यारी थी। नानी की ट्रे में ही ले जाते हैं, टीचर को भी बताएंगे मेरे गिफ्ट्स के बारे में। चलो उठो फिर चलते हैं, टीचर को और वेट नहीं करवाते। चलो उठो। ठीक है। छिपकलियाँ कीड़े और मकड़ियाँ खाकर जिंदा रहती हैं। छिपकली छिपकली छिप छिप छिपकली, ये तो वहाँ थी। नाजी नाजी। जी मामा। बेटा तुम्हारे लिए भी चाय लेकर आ जाओ। नहीं शुक्रिया मामा। ठीक है बेटा। तुम कहाँ से आई, यहाँ कैसे पहुँच गई हो? पहले मेट्रो से और फिर बस में बैठी, फिर स्ट्रीट लाइट्स क्रॉस की तो देखा मैं यहाँ थी। बेटा खाने के लिए कुछ ले आऊं? नहीं मामा बहुत शुक्रिया। कुछ चाहिए हो तो आवाज दे देना। ठीक है मामा। हाय ये वही है, बिल्कुल सेम टू सेम। रुको रुको रुको, जाना नहीं, नहीं नहीं मैं ये नहीं कर सकता, हाथ नहीं लगा सकता, नहीं कहीं मत जाना, यहीं रहना, कुछ मत करना। क्या मैं देखने में तुम्हें स्टूपिड लगती हूँ? नहीं करूँगी नहीं करूँगी। कैसे पकड़ू इसे, कहीं ये भाग ही ना जाए। मेरी बात मानो, भाग जाओ यहाँ से, अभी भी वक्त है, भाग जाओ। क्या लगता है मैं क्या कर रही हूँ? मैं कह रहा हूँ तुम अपनी जान बचाओ और भाग जाओ यहाँ से। तुम उसके हाथ अगर लग गई तो बहुत पछताओगी, चली जाओ यहाँ से, जल्दी करो जाओ। तुम हमें ही देख लो, हम तो डर के मारे नीचे ही नहीं उतरते कि कहीं वो हमें भी मार ही ना दे, बेहतर है चली जाओ। इन बच्चों का तो कुछ पता भी नहीं चलता, कब क्या कर जाएं। बातें करने की बजाय उतरो और खिड़की से बाहर निकल जाओ, उतरो उतरो निकलो। थोड़ी देर और रुको यहाँ, इंतजार करो मैं भी आता हूँ, जाना ना कहीं। नाजी क्या कर रहे हो तुम? शक्रु टाइम जाए किए बगैर फॉर्म पर आ जाओ जल्दी। क्या शक्रु आ रहा है? अब मारे जाएंगे हम सब। शक्रु आ रहा है, शक्रु आ रहा है,
मुझे अगर कुछ हुआ तो जिम्मेदार तुम लोग होगे, समझे तुम? 1, 2, 3, 4 समीर के बोझ से रातों की नींद उड़ जाएगी। 9, 10 ओ, अब तो बहुत देर हो गई। लो आ गया। ये देखो क्या है यहाँ? यहाँ एक छिपकली है। मुझे इसलिए बुलाया है यहाँ। अच्छा ना, भाग जाएगी, पकड़ो इसे। तुम क्यों नहीं पकड़ रहे? पकड़ो इसे, पकड़ो, डरपोक, डरपोक, पकड़ते क्यों नहीं? पकड़ो ना, डरपोक, पकड़ो ना, जल्दी पकड़ के दिखाओ, पकड़ो ना, कितने डरपोक बच्चे हो तुम। देखो ही जा रही है, तुम बताओ मेरी मदद करोगी या नहीं? अच्छा अच्छा, सबर करो, मैं देख लेता हूँ इसे। डरपोक कहीं के? हाँ इससे देखो। मुझे इसका ख्याल क्यों नहीं आया? मगर इसको तो ट्वीजिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। उसे छोड़ो, पकड़ने के बाद रखना कहाँ है? हाँ, ड्रॉ में एक बोतल पड़ी हुई है। हाँ, इसमें रख देंगे छिपकली को। लाओ, चलो लाओ। रुको रुको, आराम से, मैं बोतल को यहाँ रखता हूँ। अब मुझे बताओ तुम क्या करोगे इसका? अब मैं इस पर बहुत गौर करूंगा। मैंने सुना है कि खतरे के वक्त अपनी टेल को ही छोड़ के भाग जाती है, क्या सच है ये? इस तरह की बातें कहाँ से पता चलती हैं तुम्हें? आओ दिखाता हूँ। टीवी पर भी मैंने यही देखा था, कंप्यूटर पर भी। हाँ नाजी, तुम्हें एक बात बताता हूँ। पता है, छिपकली भाग गई। कहाँ गई? अरे अरे, कहाँ भाग गई? क्या हो गया? अच्छा फिक्र मत करो, मैं उसे पकड़ लूंगा। रिलैक्स रिलैक्स, ढूंढो उसको, फिक्र ना करो। शक्रो, हम मुश्किल में पड़ गए हैं। मैंने कहा ना मैं पकड़ लूंगा, तुम फिक्र मत करो, बस चुप रहो, फिक्र ना करो, मैं हूँ ना, पकड़ लूंगा उसे, डरो मत। आओ आओ बच्चों, जाओ टेबल पर जाके कुछ खा लो तुम लोग। शक्रु, तुम यहाँ थे बेटा? हाँ जी हाँ जी, थोड़ा सा खाऊंगा, बस ऐसे ही आया था। केक खाते हैं, खाते हैं थोड़ा सा केक। केक भी गिर गई। क्या केक? अब ये केक खाएंगे? नहीं बेटा, कितनी बुरी बात है, फोक ले लो ना। नहीं, ऐसे ही खाना है। आप समझेंगे, ये हर टाइम हाथ से ही खाता है। बच्चे तो ऐसे ही होते हैं मौला साहिबा। ओ ओ शक्रु, देखो देखो यहाँ आ गए। कहाँ है शक्रु? क्या कर रहे हो तुम? वो बहुत भूख लगी है ना। पकड़ो बेटा, क्या अभी खाया नहीं था तुमने? फिर से भूख लग गई। भाई टिशू देना मुझे। कैसे टिशू? टिशू भाई, टिशू टिशू। शक्रु इसे टिश्यू में ना लपेट ले। हाँ अच्छा, टिश्यू। हाँ मैं लेता हूँ, काम बन गया, उसमें लपेटते हैं। हाँ हो गया, चलो चलते हैं। हाँ बच्चों, तुम लोगों को तो बहुत भूख लग रही थी ना? नहीं नहीं, हमारा पेट भर गया। अच्छा, मगर मुझे भूख लग रही है। आपने चलो आइएगा, दिखाऊंगी आपको। देखो मेरे साथ क्या हो गया, सब तुम्हारी वजह से। अपने पाँव पर ही तो गिरी हो, इसमें इतना रोने वाली क्या बात है? जाहिर है मुझे पता था अपने पैरों पर ही गिरूंगी, मगर बहुत दर्द हो रहा है, मेरे नाखून, मेरे बाल, मेरे कान। मुझे वाकई बहुत अफसोस है। ये सब काफी नहीं था कि मैं घर से बाहर भी गिर गई हूँ, मगर जो लड़की अंदर है नजला साहिबा की अटेंशन लेने के लिए, अल्लाह जाने क्या कर रही होगी। छोड़ो, दफा करो उस लड़की को। दरवाजा खुल गया, जा रहे हैं, कितना अच्छा है ना। ओफ, ओफ, कितनी प्यारी लगती है। म्याओ, म्याओ। हाँ हसन, ट्रे तो देखने वाली थी जिसमें मौला पराठे लेकर आई थी। बहुत ही खूबसूरत और पुरानी थी, पता है मौला साहिबा की नानी ने दी थी वो ट्रे। हाँ हाँ, ठीक कहा, पुरानी सारी चीजें खूबसूरत और सिंपल होती हैं। उनके घर भी, उनकी चीजें भी, और वो खुद भी।
ओह ये देखो मेरे दादा की घड़ी। सही मायनों में 8 है और 7-8 साल से अब तक वैसे ही है। हाय हसन साहब, आप फिर से ये ड्रॉर खोल के बैठ गए। देखो अभी तक चल रही है। फालतू चीजों में पड़ी रहने से ये घड़ी खराब हो जाएगी। खाली करें अब इस ड्रॉर को, हमारे पास बेकार की बहुत सी चीजें पड़ी है, फेंक दे अब सबको। वाह वाह, मुझे लगता है ये घड़ी कभी नहीं रुकेगी। जैसे ही नमाज का वक्त होता था तो मैं बेहद खुशी से इसको अपनी जेब से निकालता और टाइम देखता, और फिर मेरे दादा इस घड़ी को देखकर पूछते, भाई टाइम क्या हुआ है? आपको अपने दादा की कितनी बातें याद हैं? मुझे तो अपने दादा याद नहीं। हाँ। अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। आमीन। हसन साहब ये क्या है? ये हमारे पुराने टीवी के दराज का हैंडल है, टूट गया था ये, तब पर यहीं पड़ा हुआ है। अच्छा तो फिर टीवी कहाँ है? वो तो दे दिया है किसी को। तो फिर ये भी दे देते ना। हाँ सही कहा आपने, ये फेंक देते हैं फिर। नहीं नहीं फेंकना नहीं, अगर कहीं जरूरत पड़ी तो लगा देंगे इसे। इतने अरसे से तो यहाँ पड़ा हुआ है, तब का कहीं नहीं लगाया, तो अब कहाँ लगाएंगे आप? हाँ देखो देखो ये ठीक है अभी, इसे देखें। इसे देखकर कुछ याद आया आपको? पता नहीं, कोई शादी का कार्ड है। हाँ देखो, इस्माइल और डेलित की शादी का कार्ड है। हाँ कितना अरसा हो गया ना। 28 अप्रैल 1994 का है। कितने अरसे से मुलाकात नहीं हुई। सही कहा, कॉल कर लेते हैं, बल्कि यही बुला लेते हैं, मैं करता हूँ बात। हाँ हसन साहिब, ये कोई टाइम है भला फोन करने का? अल्लाह हाँ ठीक है, देर हो गई है, अच्छा होगा हम सो जाएं, बाकी काम सुबह कर लेंगे। ओके फिर, गुड नाइट। जी नहीं, ये ड्रॉर आज रात ही साफ होगा, सुबह ये साफ नहीं हो सकता। और ये भी अब मैं फेंक रही हूँ हसन। ये तो नाजी की साइकिल का वारंटी कार्ड है। हसन साइकिल तो अब बहुत पुरानी हो गई है, कैसी गारंटी? ठीक कहा। और ये पुरानी टिकट्स हैं थिएटर की, ये भी मैं फेंक रही हूँ। नहीं नहीं इसे मत फेंकना, ये मेरी यूनिवर्सिटी के कार्ड का कवर है, बहुत संभाल कर रखा है मैंने। हद हो गई है, इनका अब यहाँ क्या काम? नहीं मैं बुक्स कभी नहीं फेंकूंगा, देखो क्या लिखा हुआ है, रीडिंग इज द बेस्ट हॉबी, इफ यू लव बुक्स देन यू विल बी हैप्पी ऑल योर लाइफ। इनको संभाल कर रखना चाहिए, ये बहुत अनमोल होती हैं। यानी इनको फेंका नहीं जाता नजला बेगम? अच्छा अच्छा नहीं फेंकती, लेकिन ये ड्रॉर में क्या कर रही हैं? इन्हें सुबह नाजी की बुक्स में ही लगा दीजिएगा। अच्छा अच्छा लगा दूंगा सुबह, मगर अभी यही रहने दो इन्हें, कहीं घुम ही ना हो जाए। ये मैगजीन तो सन 2000 का है। तो क्या हुआ, देखो तो क्या लिखा है, हमारे नॉलेज में इजाफा करने वाली चीजें हैं इसमें, मैं इससे बहुत कुछ सीखता हूँ, आप भी पढ़िएगा, बहुत अच्छा लगेगा आपको। जैसा कि 1919 में अतुर्क समसन की तरफ बढ़ रहे हैं, बताएं तो जरा किस काम के लिए? मुझे तो नहीं पता, आप बता देना। यकीन करें नहीं पता। इसे फेंक सकते हैं। शुक्र है कुछ तो फेंकने को मिला। हसन साहब ये देखिए, नाजी का बेबी मैट, आपको पता है ना कितना मुश्किल था उसे नाश्ता कराना जब वो छोटा था। बहुत शरारती था वो। मगर खराब हो गया है। लेकिन कोई दाग नहीं डाला था नाजी ने इस पर। बहुत ही समझदार और तमीज वाला है मेरा बेटा। हाँ हर चीज साफ रखता था। हाँ हाँ अभी भी वैसा ही है। ये देखिए, ए अल्लाह मेरे इल्म में इजाफा फरमा, दुआ है ये, कहीं लगा लेते हैं इसे। लगा लेते हैं। ये कीज कहाँ की हैं पता है? पुराने सिक्के, पुराने बटन। ये पैसे, ये तो शायद यूज नहीं हो सकते। अरे देखो ये पुराने पैसे अभी भी यूज हो सकते हैं। क्या इसकी चुंगम आएगी? कराकचन तुम्हारी काठी बहुत कीमती है, पता है क्या? मेरी काठी? हाँ तुम्हारी काठी, उसके साथ कितनी यादें हैं ना। हाँ यादों से ज्यादा तो उसमें पैबंद लगे हुए हैं, कभी कभी सोचता हूँ कि इससे अच्छी काठी तो साथ वाले गांव के गधे की है। हाँ छोड़ो इसे,
याद है तुम मुझे और भाई को एक दफा नदी पार लेकर गए थे? हाँ, कैसे याद नहीं होगा, नदी पार करने के बाद शुक्रु गिर गया था। सारा कीचड़ से भर गया था, वो बहुत ही छोटा था। आयशा, अगर मैं तुम दोनों बहन भाइयों को अपनी कमर पर बिठाऊं तो? अभी बचपन में जाते थे ना, अब भी तुम दोनों मेरे ऊपर बैठो और मैं तुम्हें नदी के पार ले चलूं। सच्ची? हाँ, वहाँ जाकर पिकनिक मनाएंगे और खूब मजा करेंगे। ठीक है, कितना मजा आएगा ना, नासी को भी साथ ले जाएंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं। कब जाएंगे हम? जब मेरी नई काठी आएगी तब, ताकि उसके साथ भी हमारी यादें वाबस्ता हो जाएं। क्या ख्याल है तुम्हारा? तारा कचन, ऐसे ही उम्मीद ना लगाओ, जब तक पापा शहर से नहीं आ जाते अम्मी तुम्हारे लिए नई काठी नहीं बनवाएंगे। तुम्हारे बाबा जब नई काठी देखेंगे तो वो तुम्हारी अम्मी पर फख्र करेंगे। सब काठी ही को देख रहे हैं, मगर काठी के नीचे जो है उसकी किसी को कोई परेशानी नहीं। तो क्या हम पिकनिक पे नहीं जाएंगे? तुम क्यों परेशान होती हो, मैं तुम्हें पुरानी काठी पर भी उस जगह ले जाऊंगा। थैंक यू कारा कचन, अम्मी को कहूंगी, क्या पता वो नई काठी ले दे। हम इस काठी को बेच दें क्या? अच्छा, उठाएंगे कैसे? एक तरफ से तो पकड़ो, एक तरफ से बै, वरना फिर किसी कुल्ली को बुला लेते हैं। मुझे कुलियों पर बहुत तरस आता है, बेचारे हर रोज बहुत वजन उठाते हैं। छोड़ो सब, आओ किसी अच्छी जगह पे चलकर बैठते हैं। हाँ ये सही रहेगा।